Hello all my viewers, and today I'm going to take this question from the chapter EMI. The question is, a long solenoid of radius 2 cm has 100 turns per centimeter, carries current 5 ampere. A solenoid is mein kuch turns aur current mein given hai. A coil of radius 1 cm having itna turns resistance bhi rakha hai, is placed solenoid inside the solenoid coaxially. Usi ke axis pe rakha hua hai, matlab agar ye aapke paas solenoid hai. तो यहां जो वो कॉइल है वो भी कुछ ऐसे रखी हुई है इसकी प्लेन में. द कॉइल इज कनेक्टेड टू द गैल्वेनोमीटर. इस पे गैल्वेनोमीटर लगा हुआ है जो करंट नाप रहा है इससे. इफ द करंट इन द सोलेनोइड इज रिवर्स्ड इन डायरेक्शन फाइंड द चार्ज दैट फ्लो थ्रू द गैल्वेनोमीटर. अभी कुछ करंट इससे जा रहा है ऐसे मान लेते हैं. अब कुछ देर बाद यही करंट जो है वो रिवर्स कर दिया गया ऐसे. तो उस दौरान चार्ज कितना फ्लो होगा, बिकॉज जब हम करंट को रिवर्स करेंगे तो उस टाइम कुछ एकदम से फ्लक्स में चेंज आएगा और फ्लक्स के चेंज की वजह से कुछ करंट फ्लो करेगा. तो उस दौरान जितना चार्ज पास होगा वो हमको निकालना है. इसको हम फाइंड करते हैं लेंज लॉ से. लेंज लॉ ये कहता है इक्वल टू डेल फाइ बाय डेल टी. फैराडे लॉ आई ई होता है ईएमएफ आई इंटू आर इक्वल टू दिस. आई होता है डी क्यू बाई डी टी इंटू आर. दिस इज डेल फाइ बाय डेल टी. ये कट जाता है तो डेल्टा क्यू निकल के आता है. चेंज इन फ्लक्स अपॉन रेजिस्टेंस, ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है. इससे हम चार्ज फ्लो निकालते हैं एवरेज दो इंस्टेंट्स के बीच में. तो बात करते हैं कि पहले कितना होगा. सो पहले कितना फ्लक्स होगा, तो मान लेते हैं भाई पहले अगर करंट ऐसे को जा रहा है तो पहले कुछ मान लेते हैं कि भाई हमें पता है कि सोलेनोइड में फील्ड होती है कुछ ऐसी होती है, इधर होगी. तो लेट्स कर लेते हैं इधर फील्ड है इसके पास, एक्सिस पे होती है हमेशा फील्ड. और इस लूप का एरिया वेक्टर भी ऐसे मान लेते हैं इस तरफ, दोनों पैरल मान लिए. तो फ्लक्स स्टार्टिंग हो जाएगा एन बी ए कॉस 0 डिग्री, ठीक है. और जब इस केस की बात करें दूसरे केस की, तो अगर हमने करंट को रिवर्स कर दिया तो फील्ड अगर हमने इधर ऐसे मान रखी तो फील्ड बदल जाएगी, उल्टी हो जाएगी. एरिया वेक्टर सेम रहेगा बिकॉज लूप को नहीं बदला हमने उसका. तो अगर अब निकाले तो अब बनेगा एन बी ए कॉस पाई हो जाएगा. तो अगर चेंज निकाले चेंज इन फ्लक्स तो निकल के आएगा 2NBA, और अगर EMF निकालें तो 2NBA अपॉन आर, मतलब चार्ज फ्लो निकालेंगे डेल्टा की इस फॉर्मूले से. सो चार्ज फ्लो अगर निकालने के लिए हमको पहले फील्ड निकालनी पड़ेगी. पहले फील्ड निकालते हैं. फील्ड है सोलेनोइड की वजह से, दिस इज म्यू नॉट इनटू NI. म्यू नॉट होता है 4π × 10⁻¹. एन हमें गिवन है 100 सेंटीमीटर, 100 टर्न्स पर सेंटीमीटर है, 10⁴ बोल रहा है वो. आई दे रखा है 5, दिस इज 25 × 10⁻¹. तो डेल्टा क्यों निकाल लेते हैं. टर्न्स हमको पता है 100 टर्न्स है 10⁻². बी हमको निकाल लिया हमने. एरिया हमको उसका पता है 1 सेंटीमीटर है, दैट इज पाई आर स्क्वायर 10⁻⁴ हो जाएगा अपॉन रेजिस्टेंस दैट इज इक्वल टू 20. 20 से 20 कट जाएगा. सो ये अगर देखें तो कुछ कहीं पे लग रहा है ऐसा कि गलत हो गया. अब गलत कहाँ है ढूंढते हैं. तो बी को हमने पुट किया म्यू नॉट 4π × 10⁻¹. एन को पुट किया दिस, और आई रहा आपके पास 5, तो 20 हो गया. फिर डेल्टा क्यों निकाला, एन बी ए नंबर ऑफ टर्न 100, बी एरिया इज −4. तो ये निकल के आएगा पाई इंटू 10⁻¹⁵, है ना. और यहाँ पे 2 रह गया, डेल्टा क्यू पर 2 भी तो आता है, तो यहाँ पे 2 बच जाएगा. सो ये 2π रहेगा, 2π² सो दिस इज इक्वल टू 2π. एक पाई रहा, एक पाई रहा, तो 2π² है. पाई स्क्वायर लगभग होता है 10 के आसपास. तो इससे अगर देखिए तो ये हो जाएगा 20 के आसपास 10⁻¹⁵. And this is 2 × 10⁻¹⁴ कूलम.
इतना चार्ज इससे पास होगा, थोड़ी कैलकुलेशन उसमें हम एरर हो गया था वो हमने सही कर ली। तो लगभग इसके पास टू, हमने यहाँ पे पाई स्क्वायर को लगभग 10 लिया, थोड़ा आप अगर एग्जैक्ट लेंगे तो 2 से बहुत थोड़ा सा कम आएगा। तो एक क्वेश्चन ऐसे हैं, तो ऐसे क्वेश्चन करते हैं यार जिसमें चार्ज फ्लो निकालना होता है। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस क्वेश्चन। थैंक्स फॉर वॉचिंग।